हेलो बेटा, नाउ स्टार्ट द चैप्टर 4 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट प्रोज. जो प्रोज है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उसका फोर्थ चैप्टर है. एंड दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम द डायरी विच इज रिटन बाय एनी फ्रैंक. ठीक है, हम पहले इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी. लेटर वी विल स्टार्ट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. उसके बारे में हम फिर जो है वो बाद में डिटेल में बात करेंगे. लेट्स सी. देखिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर बेटा. ये आपका फर्स्ट ही लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ही करेंगे एंड देन लेटर वी विल कंटिन्यू. फिर बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे. फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इट मीन्स दिस इज दिस चैप्टर. दिस इज नॉट अ कंप्लीट चैप्टर, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट. ये क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है. The part which is taken from the diary and the diary which is written by Anne Frank, and so the name of the diary, you must know the diary of a young girl. What is the name of diary? The diary of a young girl. Diary का नाम है ये. ठीक है, from this diary, this part is taken. ये उसका एक क्या है? एक part है ये chapter. This is not the complete diary. Only a little bit part, एक छोटा सा part है. चलिए, then now you must know who is Anne Frank. पहले diary तो सबको पता ही है. What is diary? The young girl refer to any Frank. Okay, what is diary? Diary in which you write down your day-to-day things. The very precious moments, very important moments, those are written. ठीक है, आप किसी को हैबिट होती है कि डेली में जितना आपके दिन सात दिन में जो कुछ भी हुआ है उसमें जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस हैं. एंड नॉट ना ओनली प्रीशियस इन द सेंस हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट्स आर आल्सो रिटन इन दैट. भी ऐसी बातें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आप कहाँ पे जाके शेयर कर सकते हैं? अपनी डायरी के साथ शेयर करते हैं. सी आल्सो डिड द सेम थिंग. एनी फ्रैंक ने भी ऐसा किया. एनी फ्रैंक, शी वॉज अ ज्यूज गर्ल. ठीक है, क्या थी? एक ज्यू गर्ल थी. एंड she was having diary and she started to write the diary. उसके पास डायरी है और उसने डायरी लिखना शुरू किया. एंड शी गोट द डायरी एट हर 13th बर्थडे. उसे वो जो डायरी मिली उसके कौन से बर्थडे पे मिली बेटा? 13th बर्थडे पे उसे मिली. उसके फादर जो थे, हर फादर गेव इट एज अ प्रेजेंट, प्रेजेंट के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे उसके फादर ने दी. एंड देन लेटर शी डिसाइडेड टू राइट डाउन द थिंग्स बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग एनी बेस्ट फ्रेंड. क्योंकि उसके उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, दैट्स वाई शी डिसाइडेड टू राइट डाउन. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, डायरी लिखेगी. शी गोट द डायरी एट हर 13th बर्थडे इन 1942. She was born in 1929 and she was died in 1945. ठीक है, 29 में उनका जन्म हुआ था, 45 में उनकी डेथ हो गई थी. She only lived for a little age, थोड़े ही टाइम के लिए वो वहाँ पे जो है वो जिंदा रही थी. बट इन दैट शॉर्ट टाइम पीरियड शी रोट नाउ हर एक्सपीरियंस जस्ट लाइक अ मैच्योर पर्सन. एक मैच्योर के जैसे उसने जो है यहाँ पे एक्सपीरियंसेस अपने लिखे हैं इस डायरी के अंदर. एंड इट इज अ रेनाउंड डायरी, इट्स अ फेमस डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड इट इज पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस. ओरिजिनली इट इज रिटन इन डच. ओरिजिनली पता है ये डच लैंग्वेज में लिखी हुई है, बट लेटर इट वॉज पब्लिश्ड इन अदर लैंग्वेजेस एंड इन इंग्लिश ऑल्सो. जब जो हम पढ़ने वाले इंग्लिश में भी ये बाद में ट्रांसलेट हुई. तो इतने छोटे से टाइम पीरियड में एनी फ्रैंक ने बहुत अच्छा लिखा, मैच्योर के जैसे लिखा. 1942 में, चलो बात करते हैं, 1942 में उसे डायरी मिली. कौन से बर्थडे पे? 13th बर्थडे पे. किसने दी? उसके फादर ने दी. ठीक है, शी डिसाइडेड टू राइट द डायरी बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग एनी बेस्ट फ्रेंड. क्योंकि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, सो शी डिसाइडेड टू राइट द डायरी. उसने डिसाइड किया कि वो क्या लिखेगी, डायरी लिखेगी. सो सिंपल. ठीक है, अब वो वहां पे उस डायरी को जो है वो एक नाम देती है. डायरी को उसने नाम दिया बेटा किटी. सी डजंट ट्रीट दैट जस्ट लाइक अ डायरी, शी ट्रीट्स इट जस्ट लाइक फ्रेंड. किसके जैसे ट्रीट करती है? जस्ट लाइक अ फ्रेंड. शी ट्रीट्स हर जस्ट लाइक अ फ्रेंड एंड शेयर्ड हर फीलिंग जस्ट लाइक अ वी शेयर विद अवर फ्रेंड. जैसे हम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, द सेम मैनर शी स्टार्टेड टू शेयर. ओके, इन दिस द शी आल्सो डिस्क्राइब्ड रिगार्डिंग नाजीज्म. इसमें सिर्फ अपने उसने उसका एक्सप्लेन नहीं किया, नाजीज्म को भी एक्सप्लेन किया है. ठीक है, नाजीज्म दैट वाज रिलेटेड टू हिस्ट्री, जो कि किससे रिलेटेड है? आपका हिस्ट्री के टर्म है नाजीज्म. हिटलर, ठीक है, हिटलर वाज अ नाजी. हिटलर क्या था? एक नाजी था.
and those were again Jews. किसके against थे? Jews के, and exploit them, torture them. उन्हें क्या करते थे? Exploit करते थे, torture करते थे. And the same thing happened with her. यही चीज उसके साथ भी हुई. भाई उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया 1942 जून में उसे मिली थी. ठीक है, उसका जो बर्थडे था वो जून में आता था. तो जब से उसने लिखना शुरू किया उससे 2-3 महीने बाद ही नाजीजम वहां पे नीदरलैंड में एमस्टरडम में वो थे वहां पे जो है वो हिटलर ने ओवर पावर कर लिया, अधिकार कर लिया. देन दे हाइड समवेयर, वो कहीं पे जाके जो है वो छुप गए उनकी फैमिली. एंड दे रिमेन्ड देयर फॉर 2 ईयर्स. वो वहां पे 2 साल तक रहे जहां पे वो छुपे थे. ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स दे वर caught by Nazis. Nazis ने उन्हें पकड़ लिया and they were sent to concentration camp में. उन सारी फैमिली को कहाँ पे भेज दिया बेटा? Concentration camp में भेज दिया. And there she died. और वहाँ पे जाने के बाद उसकी क्या हो गई? Death हो गई. हर फैमिली इंक्लूड्स उसकी फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में एनी फ्रेंक की फैमिली में उसके फादर थे, एक तो ओटो फ्रेंक जिनका नाम था. ठीक है, फादर का नाम क्या था? ओटो फ्रेंक. मदर थी बेटा, मदर का नाम था एडिथ फ्रेंक. क्या नाम था? एडिथ फ्रेंक. एक उसकी सिस्टर थी, ठीक है, सिस्टर का नेम था मार्गोट फ्रेंक. क्या नाम था? मार्गोट फ्रेंक. और ग्रैंड मदर थी. ठीक है, ग्रैंड मदर का नेम चैप्टर में गिवन नहीं है. मेन तो आपके यही 3 कैरेक्टर. कंसंट्रेशन कैंप में भी मदर की डेथ, ग्रैंड मदर की डेथ पहले हो चुकी थी. फादर, मदर, सिस्टर एंड एनी फ्रेंक हर सेल्फ दे वेंट टू कंसंट्रेशन कैंप. ये चारों कंसंट्रेशन कैंप में जाते हैं. एंड 3 डाइड देयर. और उस कंसंट्रेशन कैंप में उसके मदर, उसकी सिस्टर और एनी, इन तीनों की डेथ हो जाती है. हु लेफ्ट? ओनली ओटो फ्रेंक वॉज लेफ्ट. सिर्फ ओटो फ्रेंक सर्वाइव देयर. एंड लेटर ही वेंट एट द सेम प्लेस वेयर दे हाइड. बाद में वर्ल्ड वॉर, दिस इज द इवेंट ऑफ ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये मैं आपकी किसके बारे में बात बता रही हूँ बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात बता रही. तो व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड देन ही वेंट एट द सेम प्लेस. वो वहीं पे गए, ठीक है, जहां पे वो छुपे हुए थे उसी प्लेस पे गए अपना सामान देखने के लिए. एंड ही गॉट द डायरी देयर. वहां पे जाने के बाद उन्हें वो डायरी मिली. एंड लेटर ही थॉट दैट इट मस्ट बी पब्लिश्ड. वहां पे उन्होंने सोचा कि ये पब्लिश होनी चाहिए. एंड ही टुक इनिशिएटिव एंड लेटर इट वॉज पब्लिश्ड. एंड द टाइटल दैट इज गिवन टू दिस डायरी इज डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. गॉट इट? ठीक है, ऐसा हुआ एनी फ्रेंक के साथ. बहुत ही छोटी सी एज में उनकी डेथ हो गई. लेकिन जितना उन्होंने लिखा बहुत अच्छा लिखा, एक मैच्योर के जैसे लिखा. बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छी वर्ड चॉइस. और बहुत जो है वो पेनफुल सिचुएशन अंडर नाजिज्म दैट इज हाईलाइटेड. वहाँ पे जो नाजिज्म की जो पेनफुल थी ना, वहाँ पे उन लोगों के लिए, ज्यूज के लिए जो पेनफुल सिचुएशन थी नाजिज्म के उसमें अंडर में, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया उसने अपने डायरी में. लेकिन इस डायरी में नाजिज्म का डिस्क्रिप्शन नहीं है बेटा. इस डायरी में तो है, इस चैप्टर में नाजिज्म का डिस्क्रिप्शन नहीं है. इस चैप्टर में ओनली यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसके टीचर का, मैथ टीचर है मिस्टर किसिंग. ठीक है, मिस्टर किसिंग, एक तो उनका डिस्क्रिप्शन है मैथ टीचर का, मेनली तो उन्हीं का है. मैथ टीचर है मिस्टर किसिंग. एंड शी वॉज नॉट हैविंग गुड टर्म्स विद दिस टीचर. इस टीचर के साथ उसकी अच्छी जो है वो टर्म्स नहीं थी. अच्छी टर्म्स से मतलब शी वॉज अ चैटर बॉक्स. वो क्या थी? एक एनी फ्रेंक एक चैटर बॉक्स थी. शी टॉक्स अ लॉट इन द क्लास. क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी. एंड ही वॉज इरिटेटेड फ्रॉम दैट थिंग. सो ही पनिश्ड हर. वो उसे क्या करते हैं? पनिश करते हैं. एंड पनिश्ड इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर. बड़ी स्ट्रेंज तरीके से उसे पनिश करते हैं. वी विल रेड आउट इन द चैप्टर. अभी मैं आपको नहीं बता रही, ठीक है, चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सिर्फ वहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग द मैथ्स टीचर. मैथ्स टीचर के साथ जो है उसकी कैसे रिलेशंस थे एंड व्हाट हैपेंड देयर. इट वॉज द प्रीशियस मोमेंट फॉर हर एंड इट वॉज वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर हर एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर. सो सी रोट इन हर डायरी. शी शेयर दिस फीलिंग विद हर डायरी. डायरी के साथ उसने अपनी इन फीलिंग्स को शेयर किया. और डायरी का नाम क्या था? किटी. ये आपने याद रखना है. डायरी का नाम क्या था? किटी. चलिए अब बात करते हैं वहाँ पे जो थोड़ा सा वो फैमिली के रिगार्डिंग भी बताती है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत है. जो आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है कि उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, व्हाट वाज द रीजन, क्या उसका रीजन था, ये भी उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. मिस्टर किसिंग के बारे में तो किया ही किया है. व्हाई शी स्टार्टेड टू राइट द डायरी. डायरी लिखना वो क्यों शुरू करती है. शी ऑल्सो डिस्क्राइब दिस थिंग. ये भी उसने बताई है. ठीक है, बिसाइड दैट शी डिस्क्राइब्ड रिगार्डिंग हर फादर, हर मदर एंड ग्रैंड मदर ऑल्सो. उसने अपना प्यार अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए, और मेनली तो फादर और ग्रैंड मदर के लिए ज़्यादा वो वहाँ पे डिवोट करती हैं. शी वॉज अटैच्ड विद हर ग्रैंड मदर एंड फादर.
ठीक है, फादर और ग्रैंड मदर से ज्यादा अटैच थी. बिसाइड दैट मार्गोट ऑल्सो, जो उसकी सिस्टर थी ना, उसके साथ भी थोड़ी बहुत अटैच थी. तो ये कुछ बेसिक बातें थी एनी फ्रैंक के रिगार्डिंग. नाउ लेट मूव टुवर्ड द एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. नाउ सी बेटा, देर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स विच आई टोल्ड यू. जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें हैं. सो देर इज नो नीड टू रीड आउट दिस वन. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. वी विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द चैप्टर. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डायरेक्टली चैप्टर से. ठीक है, नाउ लिसन. रिटन इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. मी रेफर टू एनी फ्रैंक. किसको रेफर करता है? एनी फ्रैंक को. डायरी में लिखना मेरे जैसे के लिए बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. ठीक है, म्यूजिंग्स होता है थिंकिंग, थॉट्स. ठीक है, सोचना, सोचने की शक्ति, विचार जैसे कहते हैं. कि इसलिए मैं वहाँ पे, मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं था कि मैंने कभी पहले लिखा नहीं था. मैंने आपको बताया था ना, व्हेन शी स्टार्टेड टू राइट एट द एज ऑफ 13, 13 साल की एज पे लिखना शुरू किया. ठीक है, और लगभग 15-16 की एज में उसकी डेथ हो गई थी. तो बड़ी छोटी सी उम्र में उसने लिखा था. तो वो कहते कि भी मैंने पहले कुछ लिखा नहीं था इसलिए मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि इसलिए है बिकॉज इट सीम्स, इट अपीयर्स. सीम्स का मतलब क्या? अपीयर्स. मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही और कोई मेरी जो म्यूजिंग्स हैं, मेरी जो थिंकिंग है, मेरे जो थॉट्स हैं, उनमें कोई इंटरेस्टेड होगा. नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. स्कूल जाने वाली छोटी सी लड़की की इन बातों को कोई नहीं पढ़ेगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो गलत थी. ठीक है, आई टोल्ड यू दिस डायरी बिकेम फेमस एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस. बहुत सारी लैंग्वेजेस में फेमस हुई थी. ओ वेल, इट डजेंट मैटर. वो कहते हैं कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग. भाई आई लाइक, मुझे लगा, मैंने फील किया कि मुझे लिखना चाहिए. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट. एंड द सेकेंड रीजन और देन थिंग ऑफ माई चेस्ट. ऑफ माई चेस्ट का मीनिंग होता है बेटा टू रिमूव. ठीक है, बाहर निकालना, टू डिस्क्लोज. यहाँ पे चेस्ट रेफर क्या करता है? माइंड को. किसको रेफर कर रहा है? माइंड को, हार्ट को. माइंड और हार्ट भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अपनी दिल से मैं सारी बातें बाहर निकालना चाहती थी. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टू राइट डायरी. इट डजेंट मैटर नो वन विल टेक इंटरेस्ट और नॉट. मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा. नाउ नेक्स्ट वन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. द क्वेश्चन इज आस्ड फ्रॉम हियर, लॉन्ग क्वेश्चन. एक्सप्लेन दिस कोटेशन, यू कैन से दैट कि इस कोटेशन को एक्सप्लेन कीजिए. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. इट्स ट्रू, बिल्कुल सच है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर विल नॉट से डोंट राइट डाउन मोर. पेपर कभी कहेगा उठ के कि नहीं और मत बोल, और मत लिखो. बट पीपल कैन से दैट आई डोंट वॉन्ट टू लिसन मोर एंड नाउ स्टॉप टॉकिंग. मैं जो और नहीं सुनना, अब जो है वो बोलना बंद करो. तो पेपर के अंदर क्या होता है? ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय के आदमियों के, बजाय की ह्यूमन बींग के. दैट्स वाई आई स्टार्टेड टू राइट. इसीलिए भी मैंने लिखना शुरू किया. उसका एक रीज़न ये भी है लिखने का, क्योंकि उसे लगता है कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड, लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. ये मैंने तब सोचा जब मैं घर पे, जिन दिनों मैं घर पे थी और मैं बड़ा ही डिप्रेस. डिप्रेस्ड का मतलब होता है बेटा सैड, बड़ा उदास फील कर रही थी. सिटिंग अलोन एट होम एंड चिन इन माई हैंड से थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच रही थी, जैसे भाई मुँह पे हाथ रख के ऐसे थिंकिंग समथिंग, फीलिंग बोर. लिस्टलेस होता है लेजी, बड़ा लेजी फील कर रही थी. एंड सरप्राइजिंग, आई वॉज वेरी पजल्ड, यू कैन से दैट, कि घर के अंदर रहूँ या घर के बाहर जाऊँ. मैं इस बात पे पजल थी. उस दिन मेरे अंदर ये, मेरे माइंड में ये आइडिया आया. क्या आइडिया? आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज. मैं वहीं पे रुकी जहाँ पे मैं थी. एंड ब्रूडिंग थिंकिंग, सोचते हुए, ये सोच के कि भाई हाँ, घर में रहना ही अच्छा है. यस, पेपर डज़ हैव मोर पेशेंस. और यही बात मेरे मन में फिर से आई कि हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा मैंने कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है. सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी. ठीक है, हालांकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं किसी को अलाउ करूँगी कि कोई मेरी डायरी को पढ़े. वैसे भी पर्सनल डायरी
हम अपनी जो है वो सीक्रेट ही रखते हैं, किसी को पढ़ने के लिए देते नहीं हैं, ठीक है। तो मेरा भी कोई इरादा नहीं था, वो कह रही है कि मैं किसी को स्ट्रिप बैग्ड नोटबुक को, 20 डायरी को किसी को जो है वो ऑफर करूँगी पढ़ने के लिए, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक नहीं करूँगी जब तक कि मुझे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाएगा, बेस्ट फ्रेंड नहीं मिल जाएगा। सो ओनली आई विल अलाउ टू रीड दिस वन ओनली टू माई बेस्ट फ्रेंड एंड इट प्रोबेबली विल नॉट मेक अ बिट अ डिफरेंस, मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, देर इज नो पॉसिबिलिटी दिस विल बी कम्प्लीटेड। बिट ऑफ डिफरेंस का मतलब चेंजमेंट, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। चेंज होने वाला मतलब आई डोंट थिंक दैट आई विल गेट एनी रियल फ्रेंड, एनी बेस्ट फ्रेंड, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बेस्ट फ्रेंड मुझे मिलेगा। गॉट इट। अब यहाँ पे रीजन आ गया, वाई डिड एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग एनी बेस्ट फ्रेंड विद होम शी कैन शेयर हर फीलिंग्स, बिसाइड दैट शी थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, दैट्स वाई शी वॉन्ट्स टू शेयर हर फीलिंग्स विद पेपर। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ आई होप द थिंग्स आर क्लियर अप टू हियर, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, ठीक है। अब मैं अपने उसी पॉइंट पे आती हूँ, प्रॉम्प्टेड अनक्रेज्ड मी, जिसने मुझे अनक्रेज किया, ठीक है। दैट अनक्रेज्ड मी वट फॉरवर्ड, किसके लिए इंक्रेज किया, टू कीप अ डायरी, कि भी डायरी जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है एंड द फ्रेंड दियर सेकेंडरी थिंग्स, फ्रेंड सेकेंडरी थिंग्स है, मैं जो है वो डायरी लिखना शुरू करूँगी एंड आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो और आपको अच्छे से बता देती हूँ। ये रीडर से बात कर रही है, एनी फ्रेंड किससे बात कर रही है, रीडर से बात कर रही है। चलो और क्लियरली आपके क्लियर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, भी कोई भी सोचेगा कि भी शी वॉज नॉट हैविंग एनी वन विद होम शी कैन शेयर हर फीलिंग्स, कोई भी सोचेगा ना। तो चलो मैं क्लियर कर देती हूँ, एंड आई एम नॉट, मैं अकेली भी नहीं थी। I have loving parents, a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. मेरे जो हैं वो बहुत प्यारे loving जो थे वो parents भी थे, 16 साल की मेरी बहन भी थी, और लगभग 30 लोग ऐसे थे जिनको मैं friend बोल सकती थी। देखो उसने friend use किया, best friend नहीं किया। I have a family, loving aunts and good home. भाई मेरी पूरी family थी, मेरी भाई चाचियाँ थी, aunts थी, और अच्छा घर था। No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. भाई बाहर से देखे तो मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, एक चीज़ क्या, true friend, ठीक है, सच्चा दोस्त। All I think about when I am with friends is having a good time. हालांकि मुझे लगता था जब भी मैं friends के साथ होती हूँ ना, मेरा time बहुत अच्छा spend होता है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everything. I can't stop myself, you can say that. मैं अपने आप को कभी रोक नहीं पाती थी to talk about anything but ordinary everything. ठीक है, मैं उनसे जब बातें करती थी तो मैं अपने आप को सिर्फ ही डेली की जो बातें हैं, जो बड़ी कॉमन सी बातें हैं, वही मैं उनके साथ कर पाती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मुझे ऐसा नहीं लगता था मैं अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और दैट्स अ प्रॉब्लम, यही मेरी प्रॉब्लम थी, आई वॉज नॉट एबल टू क्लोज विद एवरी वन, मैं हर किसी के साथ जो है वो क्लोज नहीं हो पाती थी। एंड मे बी इट्स माई फॉल्ट, वो ये नहीं कहती कि किसी और का फॉल्ट है, शायद ये मेरा ही फॉल्ट है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड हैविंग ट्रस्ट हैविंग कॉन्फिडेंस, हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एंड इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज एंड द थिंग्स आई टोल्ड यू हाउ आर द थिंग्स, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें देखो ऐसी थी, और बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि वो देर वॉज नो पॉसिबिलिटी द सिचुएशंस विल बी चेंज्ड, मुझे नहीं लगता था कि सिचुएशन चेंज होगी, देर विल बी द पॉसिबिलिटी आई विल गेट अ गुड फ्रेंड, कि मुझे अच्छा फ्रेंड मिलेगा, मुझे नहीं लगता था। देन दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही रीज़न था कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इज माई इमेजिनेशन, टू एनहेंस टू इंक्रीज, कि मेरा जो एक लंबे टाइम से जो मैं वेट कर रही थी ना अपने बेस्ट फ्रेंड के रिगार्डिंग, तो ये उसी की इमेज मेरे माइंड के अंदर बन रही थी, मेरी इमेजिनेशन के अंदर बन रही थी कि मेरा फ्रेंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो आई वॉज हैविंग एन इमेजिनेशन एंड अ पिक्चर इन माई माइंड रिगार्डिंग द लॉन्ग अवेटेड बेस्ट फ्रेंड। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, आई डोंट वॉन्ट जोट डाउन, जोट डाउन होता है बेटा राइट डाउन, मैं चीज़ों को ऐसे नहीं लिखना चाहती थी डायरी में जैसे कि और लोग लिखा करते थे, भी डायरी उठाई और मेंशन कर दिया, नो।
बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं डायरी को अपना क्या बनाना चाहती थी, फ्रेंड बनाना चाहती थी. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और इस फ्रेंड को मैं क्या बोलना चाहती थी, किटी. आई वॉन्ट टू गिव इट्स अ नेम. मैं इसे नाम देना चाहती थी एंड दैट इज किटी. और वो क्या थी, किटी नाम देना चाहती थी. आई होप यू गोट द थिंग हियर. एंड नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंक. कौन सी चीज़ थी जिससे वो इसको ये एक्सपीरियंस स्ट्रेंज लग रहा था. बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहा, बिकॉज शी डिडंट राइट इट, बिकॉज नो शी थॉट दैट नो बडी विल बी इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिंग्स. ठीक है, इन हर थॉट्स. उसके थॉट में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. लेटर नो वन विल टेक इंटरेस्ट एंड नो वन विल रीड आउट वट शी विल राइट. कोई भी उसे नहीं पढ़ेगा. वाई डज आंट वॉन्ट टू कीप अ डायरी, सो सिंपल, बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग एनी बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, वाई डिड एनी थिंग शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल. फर्स्ट थिंग, बिकॉज शी थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ठीक है, यही बात है. इस क्यों ज़्यादा उसे जो कॉन्फिडेंस था डायरी के अंदर बजाय के लोगों के, क्योंकि उसे लगता है पेपर के अंदर क्या हो जाता है, ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय के लोगों के. ये तो बेटा टेक्स्ट के जो दे रखे हैं. और क्वेश्चन देखो यहाँ से भी निकलता है. ठीक है, वट नेम शी गेव टू हर डायरी, किटी. अपने डायरी को उसने नाम क्या दिया, किटी. एंड हाउ वॉज द डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग थिंग्स इन अ डायरी बाई एनी फ्रेंक. एनी फ्रेंक चीज़ों को कैसे डिफरेंट तरीके से लिखती थी. शी डिडंट राइट डाउन जस्ट लाइक अदर्स. शी कंसिडर हर डायरी हर फ्रेंड एंड शी राइट डाउन इन जस्ट लाइक शी टॉकिंग टू हर फ्रेंड. वो इस तरह से लिखती थी जैसे कि वो अपनी फ्रेंड किटी से बात कर रही है. तो इसलिए ये थोड़ा स्ट्रेंज था. ओके, थोड़ा सा ये भी बताती हैं. यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया, यहाँ से क्वेश्चन जो निकलेगा रीज़न यही है. शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ पर्सन, फैमिली, आंट्स, फादर, मदर, बट शी वॉज नॉट हैविंग एनी बेस्ट फ्रेंड एंड दिस वॉज द रीज़न शी स्टार्टेड टू राइट द डायरी. और यही रीज़न तो उसने डायरी लिखना शुरू किया. आई होप यू गॉट द थिंग. ट्राई टू डू द आंसर्स. जो आपको असाइनमेंट भेजूंगी बेटा उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस नोटबुक में करना. इफ़ एनी वन इज हैविंग डाउट आस्क टू मी. डाउट हो तो पूछ लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन.